देश के पूर्वी भाग में बसा झारखंड राज्य। राजधानी रांची से लगभग 250 किलोमीटर दूर जनपद जामताड़ा का ये गांव बड़ा मझला डीह, प्राकृतिक हरियाली से ओतप्रोत, पर जीवन की गंभीर चुनौतियों से संघर्ष करता हुआ। जनजाति बहुल इस क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। बारानी खेती पर निर्भर यहाँ के लोग अक्सर मौसम की मार झेलने को विवश हैं। वर्षा नहीं तो कुछ भी नहीं, पर चारों ओर हरियाली बिखेरते पलाश के पेड़ भी आमदनी का जरिया बन सकते हैं। इससे अनजान थे ये। पलाश के हरे भरे पेड़ों को काटकर चूल्हे की भेंट चढ़ा देते थे। पेड़ कटते जा रहे थे, हरियाली सिमटती जा रही थी। तभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना NAIP ने यहां आजीविका में सुधार और सुरक्षा का बीड़ा उठाया। परिषद के रांची स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के वैज्ञानिकों ने पलाश के जंगली पेड़ों पर लाख का व्यावसायिक उत्पादन करने की आसान तकनीक के बारे में किसानों को बताया। उनके साथ बैठक की, बातचीत की। पहले दौर में किसानों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। वैज्ञानिकों ने बीहन लाख यानी लाख के बीज किसानों को दिए और इनसे पलाश के पेड़ पर लाख उत्पादन करने की तकनीक सीधे खेत में समझाई। इसमें जो है जाली के भीतर बीहन लाख को भर के और फिर हम लोग उसके ऊपर पेड़ के ऊपर बांधेंगे, समझ रहे हैं ना। इससे क्या होगा, इसमें शत्रु कीट फंसे रहेंगे और इसमें से शिशु कीट बाहर आएंगे और फिर वो जाके पेड़ पे आराम से बैठेंगे और हमारी जो नई फसल है उस पे शत्रु कीटों का आक्रमण कम से कम होगा। बात समझ में आने लगी, जागरूकता फैली, वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संपर्क मजबूत होने लगा। मात्र एक साल के भीतर पलाश के पेड़ किसानों के चहेते बन गए। पलाश के पेड़ों पर लाख का उत्पादन आमदनी का जरिया बन गया। जब NIP से हम लोग जुड़ने के बाद हम लोग लाख का खेती के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई। शुरू शुरू में तो हम लोग 250 पेड़ में चढ़ाए, इसके बाद उसमें 7000 लगभग पैसा कमा लिए, इसके बाद हम 500 पेड़ में चढ़ाए, इसके बाद 1000 पेड़ में चढ़ाए, तो अच्छा मुनाफा कमा लिया। किसान पलाश के पेड़ों पर लाख उत्पादन में कुशल हो गए। पेड़ों पर बीहन लाख को अच्छी तरह से बांधना, पेड़ों की छटाई करना, तैयार लाख को निकालना, सब कुछ आ गया उन्हें। अनेक परिवारों में पुरुष और महिलाएं मिलकर ये काम करने लगे। परिवार की आमदनी बढ़ी, जीवन शैली में सुधार हुआ। लाख उत्पादन के साथ ही बीहन लाख की बिक्री भी आमदनी का जरिया बन गई। इस बार सर अलग से हम अपने 200 पेड़ में खेती कर रहे हैं सर, और इस बार जो आमदनी हमारा हुआ था, इस बार अलग हम जो खेती किया उसमें 13,000-14,000 का कमाई हुआ था सर, और अब की बार हम 250-300 पेड़ में लगा चुके हैं सर। उस पैसा से हमारा बच्चा की शिक्षा के लिए हम खर्च कर चुके हैं सर, ज्यादातर सर उसमें ट्यूशन का खर्च उसी से ही हम चलाते हैं। लाख निकालने के काम को आसान करने के लिए संस्थान ने एक छोटी मशीन भी दी है। इससे काम में तेजी और आसानी हो गई है। गांव के किसानों ने आपस में मिलकर लाह उत्पादन समूह बना लिया है। यहां किसान आपस में चर्चा करके लाख उत्पादन और बिक्री के लिए नीति बनाते हैं। अगले मौसम के लिए बीहन लाख रखकर बाकी बेच दी जाती है। नारायणपुर ब्लॉक के बड़ा मझला डीह गांव के किसानों की कामयाबी से उत्साहित होकर जामताड़ा ब्लॉक के डहर टोला, चारे डीह, रुपाई डीह, साउरू मुंडू और सिंजो टोला गांव में भी लाख की खेती लोकप्रिय हो गई है। किसानों को खेती की तुलना में लाख उत्पादन से ज्यादा आमदनी होने लगी है। इसमें जोखिम नहीं है, इसलिए लाख उत्पादन आजीविका सुरक्षा का आधार बन गया है। लाख उत्पादन से गांव में छाई खुशहाली को देखते हुए रुपाई डीह गांव के किसानों ने अपने समूह का नाम रखा है खुशहाली लाख उत्पादन समूह। गांव के युवा भी आजीविका के साधन के रूप में लाख उत्पादन को अपनाने लगे हैं। 2008 से हम लोग लाख खेती किए,
पानी हो या नहीं हो, ला तो जरूर होते हैं। जैसे सब्जी में करें तो 4 बार 5 बार पटवान करना पड़ रहा है। सब्जी में ला में तो एक बार हम चढ़वा दिए, मतलब 4 दिन 5 दिन खटे, उसमें से मतलब जितना भी कमाई होता है मेरा बिना मेहनत के ज्यादा कमाई होता है। महिलाएं भी लाख उत्पादन और संसाधन में आगे आ रही हैं। लाख की खेती में घर में बैठे बैठे सब कुछ काम होता है, बच्चों की देखभाल भी हो सकता है, बाहर काम जाने नहीं पड़ता है, पैसा भी थोड़ा कमाई होता है। NAIP के कार्यक्रम ने आजीविका के लिए वर्षा पर निर्भरता लगभग खत्म कर दी है, क्योंकि किसानों के पास लाख उत्पादन के रूप में एक उत्तम और आकर्षक विकल्प है। इस साल तो खेत जोते, लेकिन पहले जोते तो बारिश हुई कम सम, उसके बाद खेती नहीं हुआ, तो खेती नहीं होता, हमने लाख का खेती किए थे तो लाख का पैसा हम लाख बेचे तो इसी में हमारा बच गए, भरपाई जितना जरूरत था उसी में सब हमारा मेंटेन हो गया इस साल का। ये अगर नहीं होता तो हमारा कुछ नहीं होता इस साल, एकदम बेकारे थे। अब किसान लाख उत्पादन से ज्यादा आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए वे वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहते हैं। पहले मुझे जब हम जाते थे तो किसान एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब हमारे पास किसान खुद आते हैं कि सर हम लोग भी करेंगे, इनको एक बहुत अच्छी आय होने लगी है लाख की खेती से। देखते हैं कि पिछले 2 साल से जैसे जामतारा डिस्ट्रिक्ट में पानी की बहुत कमी है, वर्षा बहुत कम हो रही है, और धान की खेती जो पहले जिसके ऊपर ये निर्भर करते थे अब नहीं हो रही है, तो हमारा जो ये लाख हमने इंट्रोड्यूस किया है सक्सेसफुली, इससे किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है और वो बहुत खुश हैं। अब वो जो जिस पलाश को पहले ये काट के जलाते थे, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते थे, अब ये हमारे किसान ये छोटे छोटे पेड़ को भी बड़ा होने दे रहे हैं, जिससे हमारे वो जो जंगल कट गए थे अब पुनर्जीवित हो जाएंगे, और ये इसके ऊपर लागे खेती करके अतिरिक्त आय का इनको पैसा मिलेगा, और इस तरह की जो सिचुएशन आती है कि बारिश नहीं हुई, उससे इनको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी मिल रहा है, और हमारे पर्यावरण के लिए भी ये बहुत अनुकूल है। मात्र 2 वर्षों में NAIP के तहत किए गए प्रयासों ने जनपद जामताड़ा के गांव की तस्वीर बदल दी है। अब पलाश के पेड़ बेरहमी से काटे नहीं जाते, बल्कि उनकी देखभाल और रक्षा की जाती है। किसानों को पलाश से प्रेम और लाख से दोस्ती हो गई है। आजीविका सुरक्षा ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान के रंग बिखेर दिए हैं। खुशहाली का माहौल है। जामताड़ा में नए सूर्य की किरणें बिखर रही हैं।